हेलो फ्रेंड वेलकम टू माय चैनल टुडे वी विल डिस्कस इकोनॉमिक्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लास ट्वेल्थ इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्लास एलेवेंथ प्रीवियस ईयरस क्वेश्चंस आर्कस इन द यूपीएससी एग्ज़ामिनेशन एंड एक्सपेक्टेड यू पी फॉर टू एग्जाम क्वेश्चन नंबर सेवन पे आते हैं अभी तक हम लोगों ने क्या देखा बैंक ऑपरेशंस में हमने देख लिया लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटी क्या होता है मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या होता है अब हम लोग देखते हैं इन्फ्लेशन चैप्टर से सडन इंक्रीज इन द प्राइस लेवल ऑफ गुड्स इज कॉल्ड इन्फ्लेशन चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंड आर करेक्ट अबाउट इन्फ्लेशन वन सडन इंक्रीज इन द प्राइस लेवल ऑफ गुड्स टू देंडस इंक्रीज इन इन्फ्लेशन फॉर ड्रेस इंडिकेट ए वन ओनली बी टू ओनली सी वन एंड टू बोथ डी नॉन इन्फ्लेशन क्या होता है आप बोलोगे मैम क्या बता रही हो तो सबको पता है तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है नहीं? इसलिए बता रही हूँ इन्फ्लेशन इज द रेट एट विच जनरल प्राइस लेवल ऑफ बास्केट ऑफ गुड्स इंक्रीजेस तो सबसे पहला जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई और महंगाई क्या होता है महंगाई किसी एक चीज़ के दाम बढ़ने को नहीं कहते है. महंगाई जब बास्केट ऑफ गुड्स के दाम बढ़ते तभी होता है तो एक बहुत इंपॉर्टेंट की पॉइंट याद रखने के लिए है कि इन्फ्लेशन इज द रेट एट जनरल प्राइस लेवल ऑफ़ बास्केट्स ऑफ गुड्स इंक्रीजेस, ठीक है सपोज करती हूँ कि आपको अपनी मम्मी को समझाना होगा कि वॉट इज़ इन्फ्लेशन क्या होता है इन्फ्लेशन तो आपने क्या कहा कि मैं बहुत सारे पैसे लेकर गई और बाजार से मैंने बहुत कम सामान लेकर आई तो उसी को इन्फ्लेशन कहते हैं मम्मी उसी को महंगाई कहते हैं क्या ये सही है आप बहुत सारे पैसे लेकर गए बाज़ार में और बहुत कम सामान लेकर आए यानी कि महंगाई है क्या ये सही है सोचिए चलिए देखते हैं वेन वी कैन एबल गुड्स एक्चुअली ये तो कंडीशन है ये महंगाई का सिचुएशन है इसीलिए तो आपको बहुत सारे सामान से क्या हुआ बहुत कम सामान मिला तो ये डेफिनेशन नहीं है महंगाई का तो एक्चुअल डेफिनेशन क्या है कॉन्टीन्यूस राइज ऑफ बास्केट्स ऑफ गुड्स इज कॉल इन्फ्लेशन जब किसी चीज का दाम लगातार बढ़े किसी एक चीज का नहीं बास्केट ऑफ गुड्स का तभी इन्फ्लेशन कहते हैं ठीक है ठीके? तो कॉन्टीन्यूस राइज ऑफ बास्केट ऑफ गुड्स इज कॉल इन्फ्लेशन तो चलिए इसके आंसर पे आते हैं क्वेश्चन क्या है सडन इंक्रीज इन द प्राइस लेवल ऑफ गुड्स इज कॉल इन्फ्लेशन तो ये गलत है सडन इंक्रीज इन द प्राइस लेवल ऑफ़ गुड्स इज कॉल इन्फ्लेशन तो ये गलत है ठीक है क्यों गलत है क्योंकि इन्फ्लेशन कॉन्टीन्यूस इंक्रीज इन द प्राइस लेवल ऑफ़ गुड्स को कहते हैं सडन इंक्रीज़ इन द प्राइस लेवल ऑफ़ गुड्स को नहीं कहते तो यहाँ पे वन गलत हो गया टू को देखते हैं देर इज़ ट्रेमेंडस इंक्रीज इन इन्फ्लेशन फॉर रेसेंटिकेट तो ऐसा नहीं है अभी हाल में क्या है कि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा है 2011, 12 में इन्फ्लेशन बहुत हाई था ठीक है उसके बाद से 2015 से इन्फ्लेशन रेट में काफ़ी कमी आई है और अभी इस सिचुएशन बिल्कुल ठीक है ठीक है तो देर इज़ नो ट्रेमेंडस इंक्रीज़ इन द इन्फ्लेशन फॉर दिस इंडिकेट तो यहाँ पे वन एंड टू दोनों ऑप्शन गलत है इसलिए आपका आंसर हो गया डी नॉन क्वेश्चन नंबर एट पे आ जाते हैं विच ऑफ़ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एंड आर करेक्ट वन इन्फ्लेशन इज एडवाटेजियस टू डिप्टर इन्फ्लेशन इज एडवाटेजियस टू बॉन्ड होल्डर ठीक है यानी कि इन्फ्लेशन क्या आपने समझ लिया कि कंटिन्यूस राइज इन द प्राइस लेवल ऑफ गुड्स इज उसको इन्फ्लेशन अब हम लोग देखते हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या है इन्फ्लेशन का असर क्या होता है क्रेडिटर और डेप्ट दो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं एक होते हैं क्रेडिटर दूसरा होते हैं डेप्टर क्रेडिटर किसको कहते हैं क्रेडिटर उनको कहते हैं जो लोन देते लोन गिवर इज कॉल क्रेडिटर एंड लोन टेकर इज कॉल डेप्टर तो ठीक है यहाँ पे क्वेश्चन रहा है कि इन्फ्लेशन का क्या असर होगा लोन गिवर पे लोन टेकर पे जो लोन ले रहा है उस पर क्या होगा और लोन गिवर पे क्या होगा इसका आंसर होगा वन इन्फ्लेशन का कंडीशन जो है वो बहुत ही अच्छा होता है किसके लिए डेप्टर के लिए जो लोन लेते हैं और लोन जो देते हैं उसके लिए कंडीशन ख़राब होता है कैसे होता है मैं आगे बताती हूँ और इन्फ्लेशन एक्चुअली एडवांटेज नहीं है बॉन्ड होल्डर पे जो बॉन्ड खरीदते हैं उसके लिए भी इन्फ्लेशन अच्छा नहीं है कैसे तो देखते हैं ठीक है तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा एट का ए वन ओनली इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन सपोज करते हैं कि आपका इनकम हंड्रेड है ठीक है और मैंने पेन खरीदा और पेन का क्या दाम है ट्वेंटी रुपीज़ इनकम हंड्रेड है और मैंने पेन खरीदा पेन का दाम है बीस रुपया तो मैंने कितना पेन खरीदा पाँच ठीक है अब क्या हो गया दाम बढ़ गया इन्फ्लेशन है तो उस पेन का दाम क्या हो गया पच्चीस रुपया और इनकम तो मेरा हंड्रेड ही है तो अब मैं कितना खरीद पा रही हूँ फोर रुपीज़ यानी मेरा तो लॉस है एक आम आदमी पे इन्फ्लेशन का असर बहुत बुरा होता है ना आप क्योंकि दाम बढ़ गया चीज़ों का तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है डेप्टर और क्रेडिटर के बीच में क्या हुआ तो जो लोन गिवर है तो मैंने लोन दिया तो मैंने उस इंसान को हंड्रेड रुपीज़ दे दिया वो डेप्टर ले लिया और उस डेप्टर ने क्या किया उस हंड्रेड रुपीज़ का पेन लिया तो उसको पेन मिल गया पाँच जब उस इंसान ने मुझे हंड्रेड रुपीज़ वापस किया ठीक है क्योंकि वो डेप्टर है तो वो वापस करेगा क्रेडिट क्रेडिटर को तो जब उस इंसान ने हंड्रेड रुपीज़ मुझे वापस किया तो अब मैं इस हंड्रेड रुपीज़ का कितना पेन खरीद सकती हूँ केबल फोर क्यों क्योंकि इन्फ्लेशन है तो डिप्टर के लिए तो लॉस है इन्फ्लेशन में इसलिए यहाँ पे क्रेडिटर के लिए लॉस है और डिप्टर के लिए यहाँ पे प्रॉफिट है इसलिए यहाँ पे स्टेटमेंट वन बिल्कुल सही होगा हो क्योंकि इन्फ्लेशन डेप्टर के लिए अच्छा है जो पैसे लेते हैं लेकिन जो इंसान पैसा दे रहा है वो लॉस में है क्योंकि इन्फ्लेशन कंडीशन है वैसे ही बॉन्ड होल्डर के साथ होता है बॉन्ड होल्डर के साथ क्या होता है देखिए जब आपने बॉन्ड खरीदा तो उस बॉन्ड का दाम था सौ रुपया ठीक है आपने बॉन्ड खरीदा दो साल के लिए सौ रुपए का सौ रुपये आपको वापस मिला दो साल बाद लेकिन दो साल में इन्फ्लेशन बढ़ गया इन्फ्लेशन बढ़ गया तो पहले आप सौ रुपए के पांच पेन ले पाते थे अब दो साल बाद अब सौ रुपये के चार ही पे लेंगे यानी इन्फ्लेशन का बुरा असर होता है बॉन्ड होल्डर पे ठीक है तो यहाँ पे इसलिए एट का आंसर ए वन वाली हो जाएगा क्योंकि इन्फ्लेशन का अच्छा असर सिर्फ डेप्टर पे होगा इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन को देखते हैं इन्फ्लेशन के कारण क्या होता है कि इकॉनमी में स्पेंडिंग बढ़ती है क्योंकि महंगाई है तो लोग प्रोडक्शन करते वाह दाम बढ़ रहा चीज़ प्रॉफिट कमाएंगे तो स्पेंडिंग होती है ठीक है लोग पैसा सिर्फ कम करते हैं और ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि इकॉनमी बढ़ रही है तो डिक्रीज इन सेविंग होती है होर्डिंग होती है क्यों क्योंकि हो सकता है बाद में और दाम बढ़े लोन गिवर और लोन टेकर के साथ क्या होता है मैंने आपको बताया कि लोन गिवर का लॉस होता है और लोन टेकर का प्रॉफिट होता है ठीक है इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट लेस मनी सप्लाई लेस परचेजिंग पावर गवर्नमेंट स्पेंडिंग डिक्रीज एज गवर्नमेंट इस बोरोवर बजट बजट डेफिसिट ठीक है तो यहाँ पे कहने का मतलब इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन क्या होता है कि इंटरेस्ट रेट क्या होता है बढ़ा दिया जाता है क्यों क्योंकि इन्फ्लेशन है ताकि लोगों के पास कम पैसा रहे और डिमांड कम हो ठीक है डिमांड कम होगा तभी तो सप्लाई के साथ मैच होगा और दाम चीज़ों का ठीक हो पाएगा तो इसी ये जो इन्फ्लेशन है वो आम आदमी के लिए अच्छा नहीं होता है क्यों क्योंकि उनका स्पेंडिंग कम होता है क्यों क्योंकि उनका खर्चा ज़्यादा होता है और आमदनी कम होता है ठीक है बजट के लिए भी इतना अच्छा नहीं होता इन्फ्लेशन कंडीशन क्यों क्योंकि गवर्नमेंट को बैंक से पैसे लेने पड़ते हैं और बैंक तो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट में दे रहा है पैसा क्वेश्चन नंबर नाइन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो देखते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन जो काफी इंपॉर्टेंट है उसको देखते हैं करंट कोविड नाइन्टीन सिचुएशन लेड टू अ पार्टिकुलर कंडीशन ऑफ आर इकॉनमी वन कोर इन्फ्लेशन टू हाइपर इन्फ्लेशन थ्री स्टेक फ्लेशन फोर डिफ्लेशन तो करंट कोविड नाइन्टीन सिचुएशन कैसा है तो आंसर इज थ्री स्टेकफ्लेशन स्टेक फ्लेशन एक टर्म है जो बना है स्टैग प्लस इन्फ्लेशन स्टैग मतलब इकोनमी बिल्कुल रुक गया है नो ग्रोथ ठीक है और इन्फ्लेशन मतलब दाम बढ़ जाना यानी इकोनॉमी का एक ऐसा कंडीशन जहाँ पे क्या हुआ है इकॉनॉमी ग्रो तो नहीं कर रहा है लेकिन चीज़ों का दाम बढ़ रहा है क्यों बढ़ रहा है हो सकता है सप्लाई कम है प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है जैसे अभी कोविड नाइन्टीन का सिचुएशन है फार्मर आ नहीं रहे हैं तो प्रोडक्शन कम हो रहा है प्रोडक्शन कम हो रहा है तो चीज़ों के दाम बढ़ रहे हैं लेकिन इकॉनमी भी ग्रो नहीं कर रहा है ठीक है तो आपने देखा स्टेक्फ्रेशन क्या होता है मैंने बताया आपको कि ग्रोथ नहीं होता है लेकिन इन्फ्लेशन भी बहुत होता है और याद रखिएगा अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत हाई होता है अब देखते हैं कोर इन्फ्लेशन और हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होता है कोर इन्फ्लेशन जब भी आप सुने तो याद रखिए कोर इन्फ्लेशन में हम लोग फूड और फ्यूल को काउंट नहीं करते और हेडलाइन इन्फ्लेशन में हम लोग फूड और फ्यूल को काउंट करते हैं ठीक है इन्फ्लेशन इंडेक्स निकाला जाता है जिसमें फूड और फ्यूल को निकाला नहीं जाता है उसको कोर इन्फ्लेशन कहते हैं कोई इन्फ्लेशन में हम लोग फूड और फ्यूल को काउंट नहीं करते हैं और हेडलाइन इन्फ्लेशन में हम लोग फूड और फ्यूल को काउंट करते हैं इन्फ्लेशन को मेजर दो टाइप से करते हैं एक होता है डब्ल्यू और दूसरा होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई टू फिफ्टीन से पहले होलसेल प्राइस इंडेक्स ही बताता था हमारा इन्फ्लेशन क्या होगा होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या होगा एक ऐसा इंडेक्स जो बेस्ड होगा होलसेल प्राइस पे ठीक है पहले क्या होता था होलसेल मार्केट में जो प्राइस है उसके अनुसार हम इन्फ्लेशन को नाप देखते थे और इसको कौन रिलीज़ करता है क्वेश्चन आता है कि डब्ल्यू पी आई इंडेक्स कौन रिलीज़ करता है तो याद रखिएगा इकोनॉमिक अफेयर एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स रिलीज करता है ठीक है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और अब हम लोग देखते हैं कि इसका बेस ईयर हमने क्या लिया था टू थाउजेंड अभी हाल में हम लोग क्या निकालते हैं अब हम लोग कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स निकालते हैं गुड्स और सर्विस दोनों का सी इंडिया में फ़ोर हैं पहले एक थे अब फोर भागों में बांट दिया गया है एक होता है सी ऑफ इंडिया कंज्यूमर प्राइस प्राइस इंडेक्स फॉर एग्रीकल्चर लेबर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर लेबर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल लेबर ठीक है तो सी पी फ़ोर है सी पी आई ऑफ़ इंडिया सी पी आई फॉर एग्रीकल्चर लेबर सी पी आई फॉर लेबर सी पी आई फॉर इंडस्ट्रियल लेबर ई कौन रिलीज करता है सीपीआई फॉर इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स रिलीज करते हैं सीपीआई कौन रिलीज करता है तो सी पी आई फॉर इंडिया इज रिलीज बाई मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड सी पी आई फॉर लेबर रिलीज होता है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर इन्फ्लेशन टारगेटिंग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है इससे क्वेश्चन आ चुका है टू थाउजेंड सेवेंटीन यूपीएससी एग्जाम प्रिलिम तो देखते हैं इन्फ्लेशन इज टारगेटेड ऑन डब्ल्यू पी आई लेकिन उर्जित पटेल कमेटी के आने के बाद कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे ही इन्फ्लेशन अब मेजर किया जाता है यानी महंगाई दर किस पे नापा जाता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे क्वेश्चन नंबर टेन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एंड आर करेक्ट रिगार्डिंग द मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी वन इट डिसाइड्स द आर बी आई बेंच मार्क इंटरेस्ट रेट टू इट इज अ ट्वेल्व मेंबर बॉडी इंक्लूड द गवर्नर ऑफ आर बी आई एंड रिकन्स्टिट्यूटेड एवरी ईयर थ्री इट फंक्शन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी काफ़ी न्यूज़ में था तो याद रखिए वो सिक्स मेंबर बॉडी है तो यहाँ पे आपका स्टेटमेंट नंबर टू गलत हो जाएगा ठीक है तो जब स्टेटमेंट नंबर टू आपका गलत हो जाएगा तो क्या होगा आपका आंसर तो आपका आंसर हो जाएगा ए वन वर्ली क्योंकि इसके चेयरमैन कौन है इसके चेयरमैन आर बी आई है ठीक है तो देखते हैं आंसर इसका आंसर है ए वन वर्ली उर्जित पटेल कमेटी ने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी रिकमेंडेड किया था 2016 में ये कमेटी बनाई गई थी इसमें टोटल सिक्स मेंबर हैं थ्री आरबीआई मेंबर है हैं और थ्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मेंबर हैं गवर्न आरबीआई मेंबर कौन कौन है गवर्नर डिप्टी गवर्नर बोर्ड मेंबर ठीक है और थ्री मेंबर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सपोज करती हूँ कि कोई भी मैटर आता है और आर बी आई चुके जो तीन मेंबर हैं वो कहते हैं यस ठीक है आर बी आई के तीन मेंबर क्या कहते हैं यस और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो तीन मेंबर हैं वो कहते हैं नो तो क्या होगा पास होगा या नहीं होगा तो एक चीज़ याद रखिएगा गवर्नर ऑफ आर बी आई जो है उनको एक स्पेशल राइट दिया गया है जिसको कहते हैं कास्टिंग वोट राइट यहाँ पे राइट होगा कास्टिंग वोट राइट ठीक है इसके अंतर्गत गवर्नर ऑफ आरबीआई के पास पावर है कि वो भी वोट डाल सकते हैं तो आरबीआई का कितने हो जाएंगे क्योंकि गवर्नर के पास तो दो वोट डालने का पावर है तो आरबीआई के फोर हो जाएंगे और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्री हो जाएंगे तो यानी कि आर डाल सकता है और कह सकता है कि हा तो हा होगा ठीक है आरबीआई के जो मेंबर होते हैं वो चार साल के लिए अपॉइंट होते हैं क्वेश्चन नंबर इलेवन एडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट कॉन्सेप्ट इज रिलेटेड फॉर प्रोपेंसिटी टू सेफ डिनोट्स विद सिचुएशन ऑफ इकॉनॉमी ठीक है पैराडॉक्स ऑफ थिफ्ट बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है चैप्टर नंबर फोर इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट में लास्ट पेज में ये दिया हुआ है पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट कॉन्सेप्ट एक्चुअली रिलेटेड है प्रोपेंसिटी टू सेफ से ठीक है ये किस तरह की इकॉनॉमी की बात कर रहा है वन बुल मार्केट टू बियर मार्केट थ्री ग्रोइंग मार्केट फॉर रिसेशन द आंसर इज़ फॉर रिसेशन और ये जो थ्योरी है पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट ये दिया गया था जॉन मैनार्ड किन्स के द्वारा आप देख सकते हो माइक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर फोर इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट चलिए इंपॉर्टेंट बैंकिंग कमिटीज़ को देखते हैं सबसे पहले आया था नरसिम्बम कमिटी वन उसके अंतर्गत इंट्री ऑफ प्राइवेट एंड फॉरेन बैंक को अलाउ किया गया था इंडिया में और सबसे पहले कौन सा फ़ॉरेन बैंक आया था इंडिया में वो आया था आई आई ठीक है आई सी आई सी आई बैंक फिर नरसिम्हम कमेटी टू आया था जिसके अंतर्गत और भी प्राइवेट बैंक को परमिशन दिया गया इंडिया में और उसके अंतर्गत यस बैंक जो अभी काफ़ी लॉस में है और कोटे बैंक आया था निचिकित मोड़ कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट है ये रिलेटेड है मोबाइल बेस्ड बैंकिंग से शिवारमन कमेटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये नबार्ड से रिलेटेड है और नबार्ड कब बना था इंडिया में आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बताएं रघुराम राजन कमेटी कंप्यूटराइजेशन ऑफ बैंकिंग से रिलेटेड है बेसल नॉम कैपिटल एडुकेशन रिफॉर्म से रिलेटेड है दामोदरन कमेटी किससे रिलेटेड है कस्टमर सर्विस रिफॉर्म से ठीक है बीमल चलान कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये किससे रिलेटेड है ये रिलेटेड है अभी हाल में बनाया गया था टू थाउजेंड नाइनटीन में ये एक्चुअली रिलेटेड है, है आरबीआई के कैपिटल रिजर्व से गवर्नमेंट और आर के बीच में काफ़ी ज़्यादा यू नो डिस्प्यूट हो गया था कि पैसे से रिलेटेड आर के रिजर्व पैसे से रिलेटेड इसके बाद ही हम लोग देखते हैं कि उर्जित पटेल अपना रेजिनेशन भी डालते हैं तो ये इश्यू बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए ये कमेटी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बीमल जलान कमेटी दैट इज़ रिलेटेड टू आर रिजर्व्स दीपक मोहंती कमेटी आया था वो रिलेटेड फिनंसियल इंक्लूजन से उर्जित पटेल कमेटी इन्फ्लेशन टारगेटिंग से इकोनॉमिकल कमिटीज़ देखते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है केलकर कमेटी टैक्स रिफॉर्म राजा चिलिया कमेटी टैक्स रिफॉर्म ए एक, सी शाह कमेटी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज बी के गोरेला कमेटी ये रिलेटेड है आधार यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी से जैसमिन शाह कमेटी ये किससे रिलेटेड है इकोनॉमिक रिकवरी इन कोविड नाइनटीन एरा ये काफ़ी रेसेंट कमेटी है 2020 की कमेटी है याद रखें इकोनॉमिक रिकवरी इन कोविड 19 एरा थैंक यू और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ओके थैंक यू